अलग होगा जब आप ऐसा पूछे हैं। अरे तो आंसर बताओ, पढ़े लिखे इंसान हो यार। अरे का ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है अभी, इसका भी नंबर आएगा, दो चार बच्चों के बाद अभी है, लास्ट में इसका नंबर है। तो वही मैं, ओहो श्लोकी क्या कर रहे हो, पूरा स्टैंड में से निकाल दिए, पूरा स्टैंड में से जूता चप्पल निकाल के रख दिया, उसको छोड़ दिया जाए ना, उसको ध्यान ना दिया जाए तो उल्टा सीधा सारा काम करता है। अरवी का ऑनलाइन क्लास चल रहा है और अभी म्यूजिक और पीटी, म्यूजिक में क्या सुनाओगी? ओम बरबूज नहीं, तुम काचा बादाम सुना देना, बादाम बादाम बोलो काचा बादाम। कल डांस कर रही थी ना कच्चा बादाम वाला, तब चलो वही सुनाओ मैम को। क्यों क्यों नहीं सुनाओगी मैम, मारेंगी तो बोल क्यों नहीं रही हो, बोल के बताओ। मैम थोड़ी सुन रही है, म्यूट है। चलो अच्छा जाओ, आज तुम्हारा एग्जाम है, जाओ। पतिदेव का आज मॉर्निंग ड्यूटी है और वो घर पे है नहीं, इधर आरोही का आज एग्जाम है, तो इसको हम अकेले छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसके पास ही बैठे रहते हैं क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा इसका मन उदास हो जाता है। और उधर देखिए श्लोक कैसे बेमकसद तबाही मचा कर रखा है। अब इसके बाद तुम्हारा नंबर आने वाला है, सब बता लो और पीटी करके बताओ, बताओ। काम आम दाम। ओके आप मुझे बताओ कि 17 की स्पेल एस एस ई डी ई एन टी डब्ल्यू एन ओके अच्छा आप मुझे बताओ 12 की स्पेलिंग TWELBE ओके ठीक है अब ये बताओ कि 12 आफ्टर कौन सा नंबर आता है 13 ओके और 19 आफ्टर 20 ओके ठीक है अच्छा आप मुझे न्यू वर्ड बना के बताओ यू एफ अप से मम मम कम कम ओके 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 आरुही अच्छा आरुही अब मुझे पीटी और म्यूजिक का करके बताओ ओम भूर भुवस्वः तत्सवितुर वरेण्यं सर्वं एज वन हो गया अच्छा लगा मजा आया सब कुछ बता लिए खुश हैप्पी हैप्पी लोकी भी हैप्पी मैम तुम भी मैम चलो तुम मैम से बातें करो चलो बोलो बोलो मैम जाओ उसको बात करने जाओ मैम को बुलाएं मैम तो गई मैम को बुलाएं क्या बताओगे मैम को मैम बोलेंगी एबीसीडी सुनाओ तो सुनाओ एबीसीडी वन टू बस मैम 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 नहीं आएंगी मैम बहुत मारेंगी अब तो मुझे मोबाइल दे दो मोबाइल क्यों दे अब एग्जाम खत्म तो मोबाइल सुबह मोबाइल मांगे तो मैंने कहा एग्जाम पहले दे लो फिर मोबाइल देंगे देखे लड़ाई होगी चलो तुम जल्दी से वन टू सुनाओ फिर मैम तुम्हें आएंगी बोलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थक गया जिंदगी में हर काम करना शादी मत करना पुंगी बच जाती है पुंगी शादी करके फंस गया यार अच्छा खासा थकवारा क्या अकेले अकेले कैमरा से बातें कर रहे हैं जी अभी जिसकी बात कर रहा था वही है क्या
क्या बातें कर रहे थे? रसा दे करके फंस गया यार, अच्छा खासा थकवारा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दोगे? पढ़े लिखे हो ना? बिल्कुल। आज सिद्ध कर दो कि तुम आठवीं फेल नहीं हो। अगर नहीं जवाब दे पाए तो आठवीं फेल हम मान जाएंगे और हमारी पब्लिक भी मान जाएगी कि आप आठवीं फेल हो। ठीक है। हाँ। ये बताइए कि साल में कौन सा महीना होता है जिसमें 28 दिन होते हैं? साल में कौन से महीने 28 दिन होते हैं? फरवरी। इतने सिंपल से क्वेश्चन का इतना सोच के आप जवाब दे रहे हैं। फाइनल आंसर बताइए। मतलब कुछ तो अलग होगा जब आप ऐसा पूछे हैं। अरे तो आंसर बताओ, पढ़े लिखे इंसान हो यार, टाइम पास करो यार, जल्दी बताओ। मुझे नहीं मालूम। देख लो भैया, आठवीं फेल सिद्ध कर दिया इसने कि आठवीं में दो बार फेल। अब आप क्या बोले? जवाब बताओ, कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? कौन से? 28 दिन तो हर महीने में होते हैं ना? सही जवाब, अगर सही जवाब है तो कमेंट में हाँ लिखिए और आप बताइए। ओए, पूरा पेंसिल क्यों छील रहे हो? पेंसिल क्यों छील रहे हो? दो 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 बाबू। दीदी आ रही है तुम्हारे घर को। पूरा देखिए, इतना इधर छीला है। तुमको छीलने आता है क्या? आता है। कैसे छीलते हैं? ऐसे। दीदी आ रहेगी, मारेगी।